जब 1957 में केरल में पहला सरकार आया ये शंकरन नंबूदरी पाड़ के नेतृत्व में, तब से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन तक पिछले 6 दशक में ऐसे लगभग 800 के ज्यादा अन्य विचारधारा के कार्यकर्ताओं का हत्या हो चुकी है। उसमें लगभग 250 के ज्यादा अपने राष्ट्रीयवादी विचारधारा के कार्यकर्ताओं का हत्या हो चुकी है। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सोचा केरल बदलना जरूरी है। पूरे देश बदल रहा है, बस्तर बदल रहा है, JNU बदल रहा है, पश्चिम बंगाल बदल रहा है, ऐसे संदर्भ में केरल में भी एक सकारात्मक परिवर्तन आना जरूरी है। इसको सोचकर विद्यार्थी परिषद केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम में ऐसे ऐतिहासिक महारैली को आयोजित किया। केरल के त्रिवेंद्रपुरम में विद्यार्थी परिषद ने जो महारैली का आयोजन किया, इस महारैली का आयोजन का जो विषय था कि CPM सरकार द्वारा जो प्रायोजित हत्याएं हो रही हैं उसके खिलाफ ये महारैली रखी गई, और देश भर में जिस तरह से कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों ने जिस तरह का माहौल बनाया है उसके विरोध में ये जो उनके गढ़ में आकर इस तरह की महारैली करके उन्हें चेतावनी देने का प्रयास विद्यार्थी परिषद ने किया। छात्र साधका काशी घेणा तू भरारी वादळातल्या नौकेला लावी तू किनारी जिंकून आणी विश्वाला यश गंगेस दारी झेलून साऱ्या आव्हाना संकटे नेवारी वादळ वाटा सागर लाटा लंघून जाई रे छात्र शक्तीचा राष्ट्रभक्तीचा ज्वार चेतवारे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद युवाओं में संस्कार पैदा करते हुए अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से एक देशभक्त युवाओं का, एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो, इस तरह के विचार को लेकर काम करती है। हिंसा के माध्यम से ताकत के बल पर हो सकता है कुछ समय के लिए सत्ता के बल पर आप लोगों को डरा सकते हैं, लेकिन दुनिया भर का इतिहास बताता है कि जहाँ जहाँ हिंसा के आधार पर लोगों को डरा कर सत्ता या विचार काम किया है उनकी सत्ताएं उखड़ गई और वामपंथ आज पूरे दुनिया से लगभग इस विचार को पूरी दुनिया के लोगों ने नकार दिया है। पूरे केरल में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा, इसके बारे में विद्यार्थी परिषद तो विश्वास व्यक्त करते हैं, क्योंकि ऐसे 300 के ज्यादा स्थानों पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पहुंचा। पूरे 300 के ज्यादा स्थानों से आज विद्यार्थी परिषद के रैली में कार्यकर्ता उपस्थित है, विद्यार्थी उपस्थित है। वो आने वाले दिन में कौन सत्ता चला रहा है, दौर्जन्य कर रहा है, उन लोगों को प्रश्न पूछना शुरू करते हैं, क्यों आप लोग ऐसे हिंसा करते हैं, क्यों आप लोग ऐसे महिला, दलित, शिक्षा तज्ञों के ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर दौर्जन्य करते हैं। जब प्रश्न पूछना शुरू करते हैं तब से एक नया इतिहास, नया विचार प्रारंभ होते हैं, नया बदलाव भी शुरू होता है। इसलिए मुझे विश्वास है आने वाले दिन में केरल जैसे प्रदेश में भी, एक छोटे छोटे गांव में भी, केरल में तो काफी विलेजेस को पार्टी विलेज बोलते हैं, उन लोग क्या चोरी छुपके करते वो बाहर नहीं दिखते हैं, ऐसे विलेजों में लोग प्रश्न पूछना शुरू करते हैं,
वो जेएनयू जैसे संस्थाओं में वो लोग अलग तरीके का चेहरा दिखाते हैं, बल्कि उन लोगों का असली चेहरा देखना है तो हमको केरल में आना पड़ा। इसलिए मुझे विश्वास है आने वाले दिन में जरूर केरल के सभी स्तर में एक बदलाव तो आएगा। इस बदलाव के कारण देश भी मजबूत होता है, यही विश्वास आज के विद्यार्थी परिषद के इस महारैली के साथ साथ हमको मिला है। तरुणाई का स्वप्न महान हो भारत का पुनरुत्थान, तरुणाई का स्वप्न महान हो भारत का पुनरुत्थान, गूंज उठेगी धरती सारी हो, गूंज उठेगी धरती सारी, सारी जग में गौरव गान, तरुणाई का स्वप्न महान हो भारत का पुनरुत्थान, तरुणाई का स्वप्न महान हो भारत का पुनरुत्थान। विद्यार्थी परिषद भारत माता की जय के लिए काम कर रहा है। स्वाभाविक रूप से विद्यार्थी परिषद जहां काम करनी है, विद्यार्थी परिषद जहां शक्तिशाली है, ऐसे पूरे हम देश में अगर देखते हैं तो वहां बाकी भी लोग काम कर सकते हैं। पर ये आज का जो प्रदर्शन है, चलो केरला विद्यार्थी परिषद ने जो कॉल दिया है, वो कॉल एक विशेष परिस्थिति के कारण दिया। उसका कारण ये है कि मार्क्सवादी सरकार यहाँ है और ये सरकार के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद, एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ लाल आतंकवाद, ये पूरे प्रदेश में हरेक की जुबान को दबाने का काम कर रहा है। राष्ट्रभक्त लोगों को अगर वो भारत माता की जय कहते तो भी उसका उनका गला घोट दिया जाता है, अगर वो वंदे मातरम के साथ काम करना चाहते हैं तो भी उनका गला घोट दिया जाता है। गत कुछ दिनों में तो ये पैमाना और बड़ा है और इसलिए इस लोकतंत्र को बचाने के लिए मार्क्सवादी हिंसाचार के खिलाफ पूरे देश का छात्र केरल में रास्ते पर उमड़ पड़ा है। मैं ये मानता हूँ कि लोकतंत्र की व्यवस्था को बचाए रखना ये भारत के हर नागरिक का दायित्व है और इसलिए विद्यार्थी परिषद ये काम जो कर रही है एक मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। कहते हैं कन्नूर के अंदर सीपीआईएम की शुरुआत हुई है और उनकी शुरुआत हुई है इसलिए वहां पर अगर संघ का कोई कार्यकर्ता भगवा झंडा उठाएगा तो उसको कत्ल करेंगे, उसको मारेंगे। अभी तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ और ऐसे अन्य विचारों से जुड़े हुए 292 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। केरल के अंदर अगर आपने भगवा झंडा उठाया है, अगर आपने कम्युनिज्म के विरोध में खड़े हुए हैं, पार्टी विलेज के अंदर अगर आपने वोट डालने की भी हिमाकत की है तो आपकी हत्या कर दी गई है। जब वो लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए वास्तव में उनके विरोधियों को जीने का भी अधिकार नहीं है यह विश्वास लेकर के वो काम करते हैं, ऐसी हिमाकत लेकर के कम्युनिस्ट पार्टी काम करती है और उसकी लीडरशिप जिन लोगों के सामने है, जिन लोगों के पास है, ऐसे पिनराई विजयन और बालकृष्णन, ये दो लोग जो उनकी लीडरशिप में 1 और 2 आज के समय में केरल के अंदर हैं, यही दोनों लोग स्वयं केरल के अंदर हिंसा की शुरुआत करने वाले लोगों में से हैं। इन दोनों के ऊपर हत्या का आरोप स्वयं लगा है। वास्तव में यह पूरा आंदोलन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो यह कर रही है
या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, लोगों के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, लोगों के अपने जीने के अधिकार को, इसको स्थापित करने के लिए इस केरल की पवित्र भूमि में वापस उस लोकतंत्र की गरिमामयी उपस्थिति वापस हो, उसके लिए किया गया है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। इसलिए ये जो आज हमारा जो रैली है, इस रैली में हम हमारे ये जो देशद्रोही कम्युनिस्ट पार्टी है और देशद्रोही कम्युनिस्ट विचारधारा है, इस विचारधारा को पश्चिम बंगाल त्रिपुरा के साथ साथ केरल से भी उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग आए हैं। इसके लिए केरल के एबीवीपी आज तैयार है। हम लोगों को केवल केरल के एबीवीपी को हम लोगों को सपोर्ट करना है। दोस्तों, ये कम्युनिज्म इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए इस कम्युनिज्म को जितना जल्द हम लोग इस देश से विदाई करेंगे, उतना ही ये इस देश का भला होगा, उतना जल्दी हम लोग इस देश को एक न्यू इंडिया की तरफ बढ़ाएंगे। भारत के निर्माण की ആളുകളെയാണ് മാർക്സിസം എന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ പേരിൽ പരലോകത്തെ കയച്ചത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ അതിന് ഹരിശ്രീ കുറിച്ചത് റഷ്യൻ ഭരണാധികാരിയായ ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ ആയിരുന്നു. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈ ഒരു വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ കേരളത്തിലെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളിൽ ദേശീയതയുടെ നവമന്ത്രം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഭാരതമാതാവിന് ജയവിളിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാരതത്തിന്റെ, നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും മൂല്യങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ശക്തി രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ കേരളത്തെയും ദേശീയതയുടെ അനിവാര്യമായ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള ദൗത്യമാണ് നമ്മളിൽ അർപ്പിതമായിരിക്കുന്നത്. ആ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിന് നമുക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും നാസേതു ഹിമാചലം ഈ മൈതാനിയിൽ അണിചേർന്ന നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരന്മാർ, അവരുടെ ആശയും ആവേശവും നെഞ്ചേറ്റി ഈ കേരളത്തിൽ അനിവാര്യമായി സംഭവിക്കേണ്ടുന്ന പരിവർത്തനത്തിന്റെ വക്താക്കളായി മാറാൻ കേരളത്തിലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുജന്മാരും അനുജത്തിമാരും ശ്രമിക്കണം. ये केरल की भूमि, ये भारत की भूमि अधिकार की भूमि नहीं, ये त्याग समर्पण और कर्तव्य की भूमि है। इसी केरल से आदि शंकराचार्य और नारायण गुरु ने जन्म लिया था, जिन्होंने त्याग और समर्पण की बात की है। मैं मानता हूं कि आज ये जो रैली है, ये रैली उन लोगों के लिए संदेश है, उन सत्ता में बैठे हुए लोगों को संदेश है, एक कड़ा संदेश है कि सुधर जाओ
छात्र शक्ति आई है। मेरे साथ बोलो, उन वामपंथियों को हमारा ये चेतावनी है कि सुधर जाओ। जोर से बोलो, छात्र शक्ति आई है। मैं उन वामपंथियों को, यहाँ से सत्ता में बैठे वामपंथियों को, सीपीएम को बताना चाहता हूँ कि सुधर जाओ। आवाज जोर से आनी चाहिए, सुधर जाओ वामपंथियों। ശിഖാങ്കിത കാവ്യ പതാക പാറി പറത്തുന്നതിനായിട്ട് കേരളത്തിന്റെ പൊതുനിരത്തുകളിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ചോരയാണ്. ഈ ദീപശിഖാങ്കിത കാവ്യ പതാക പാറി പറത്തുന്നതിനായി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ ജയിൽ ജീവിതമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന് സാധിക്കുമെങ്കിൽ എ ബി വി പിയെ കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മഹാറാലി സംഘടിപ്പിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം കേരളത്തിനിനിയും ബലിദാനികളെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, പകരം കേരളത്തിന്റെ തെരുവോരങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്നും കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്ന ആ മോശമായിട്ടുള്ള സംഘടനയെയും ആ മോശമായിട്ടുള്ള ആശയത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ജനാധിപത്യത്തിന്റെ രീതിയിൽ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എ ബി വി പി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരള കി ഭൂമി മേ ജോ എക് ഹിറ്റ്ലർ ബെറ്റാ ഹേ ഉസ് ഹിറ്റ്ലർ കേ ഖിലാഫ് അപ്നാ ഗുസ്സ പ്രകട്ട് കർനേ കേ ലിയേ ദേശ് കി തരുണായി യഹാ ആയി ഹേ. केरल की भूमि जो, जैसा मैंने कहा कि विश्व में अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व विख्यात थी, वामपंथ की सरकार ने इस केरल की भूमि को पूरे विश्व में बदनाम कर दिया है. मित्रों, सरकार इसलिए चुनी जाती है कि वो आम नागरिक की सुरक्षा करे, उसके हितों की रक्षा करे. लेकिन केरल की सरकार के बारे में जब हम सुनते हैं तो देखते हैं कि देश भर में केरल की सरकार ऐसे जो तत्व जो सरकार के खिलाफ या उस विचार के खिलाफ बात करते हैं, ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന അത് ദീപശിഖാങ്കിത കാവ്യ പതാക ഉയർത്തിക്കെട്ടുന്ന അഖില ഭാരതീയ വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്താണ്. ഈ വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്താണ് ഭാരതത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കലാണ് ഇന്ന് നടന്നത്. നിരോധനങ്ങളുടെ കാലത്ത് നിരോധനങ്ങൾ നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യാത്ര നടത്തുന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇവിടത്തെ എസ് എഫ് ഐക്കാർ പല ക്യാമ്പസുകളിലും നിരോധനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വിളിപ്പാടകലെ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജും സംസ്കൃത കോളേജും ആർട്സ് കോളേജും തുടങ്ങി ഏകദേശം 63 ക്യാമ്പസുകളിൽ നിരോധനമാണ് മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക്. ആ നിരോധനങ്ങൾ നീക്കാൻ അവർ ഉയർത്തിക്കെട്ടിയിട്ടുള്ള ആ രാവണൻ കോട്ടകൾ അടിച്ചു തകർത്തുകൊണ്ട് ദീപശിഖാങ്കിത കാവ്യ പതാക ആ കലാലയങ്ങളിൽ ഉയർത്തുന്നതിന്റെ തുടക്കമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. जोर शोर योध निकला देश के लिए धर्म के लिए, जोर शोर योध निकला देश के लिए धर्म के लिए, तन मन धन अर्पण कर देंगे चाव से. हाथ ले बढ़ेंगे आगे हम चलेंगे आगे हम, धर्म ध्वज हाथ ले बढ़ेंगे आगे हम चलेंगे आगे हम, धर्म रक्षणार्थ सभी लड़ भिड़ेंगे हम खड़े रहेंगे हम, धर्म रक्षणार्थ सभी लड़ भिड़ेंगे हम खड़े रहेंगे हम. आज कहां कहां से अपने कार्यकर्ता आए हैं? सुदूर बस्तर बीजापुर जिला से अपने कार्यकर्ता आए हैं, जहां अपने स्वरूप को आपके पार्टी के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एसएफआई के कार्य
आग निकालने तक मारा। वो गुरुवायूर श्री कृष्णा कॉलेज से भी इधर कार्यकर्ता उपस्थित है, जहां आप लोगों ने हमारे सदानंद मास्टर को पैर काटा, उस कन्नूर से इधर कार्यकर्ता उपस्थित है। किस जगह आप लोगों ने हमको काम करने के लिए नहीं दिया, ऐसा मौका नहीं देते, ऐसे बोलते रहते हैं। ऐसे हजारों कॉलेज कैंपस से आज आप लोगों को धैर्य तोड़कर, आप लोगों को विरोध के बाद भी इधर हजारों कार्यकर्ता उपस्थित है, ये संकेत है, ये संकेत है पूरा देश बदल रहा है, केरल भी बदलेगा। संपवु नको जिज्ञासा, शोध घे स्वतःचा, शून्य शोधता मार्ग सापडे न भाचा। कला संस्कृती विज्ञानाची सांगड घालून घे। टेंथ स्टुडंट ऑर्गनायझेशन ऑफ एस एफ आय कंडक्ट इस तरह का महाराले इन केरला। नो, is this the democracy they are speaking? Is this the freedom of speech they are speaking? Is this the socialism they are speaking? So we appeal, we need to go miles to before we slave, we need to go miles. Our hero Swami Vivekananda ji once told, arise awake and not stop till our goal is reached. So I this time saying the same word, arise awake and not stop till our goal is reached. Vande Mataram.